हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिना पेस्ट लेकर आई हूँ, जिसे मैं नए तरीके से बनाने वाली हूँ। इस तरीके से अगर आप हिना पेस्ट बनाएंगे तो आपके बाल बहुत ही लंबे समय तक काले बने रहेंगे और उनमें बहुत ही डीपली कलर बना रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए आर्ट ऑफ सृष्टि चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं यहाँ जिस पाउडर का इस्तेमाल करने जा रही हूँ, इसका जिक्र मैंने काफ़ी बार किया है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी और आपको अभी स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा कि मैंने इस पाउडर में क्या क्या मिलाकर इस पाउडर को तैयार किया है। और मैंने ये बहुत सारा पाउडर बना रखा है, जिसे मैंने बहुत स्टोर कर रखा है, क्योंकि जब भी आपको मेहंदी लगानी हो तब आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए। और इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आप इसे पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं। तो मैंने एक चम्मच ये पाउडर लिया है और मैं इसमें अब थोड़ा सा पानी मिला दूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ आगे आगे बालों पे ही लगानी है, इसलिए मैंने थोड़ी ही मेहंदी भिगोई है। तो इसके हिसाब से आप अपने बालों के हिसाब से ही पाउडर का इस्तेमाल करें। ये देखिए, इस तरह इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस पाउडर को पहले भिगोएंगे हम, क्योंकि पहले भिगोने से इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव असर आ जाता है और ये इफ़ेक्टिव असर हमारे सीधा बालों पर आता है। और इस पाउडर को भीगे रहने के लिए हम 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे और इसको ढककर गर्म जगह पर हमें इसे रखना है। देखिए फ्रेंड्स, 24 घंटे हो गए हैं और आप इसका कलर देख सकते हैं कि किस तरह का इसका कलर हो गया है, एकदम ब्लैक, क्योंकि इसका जितना भी मतलब कस था वो सारा निकल गया है और पूरी तरह ये पूरा ब्लैक हो गया है। आप चाहें तो इसे इस तरह भी अपने बालों में लगा सकते हैं, जिससे आपके बाल लंबे, घने, सुंदर और काले हो जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी डबल हाथी मेहंदी। मैं हाथ में भी यही इस्तेमाल करती हूँ और सिर में भी यही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये नेचुरल हर्बल मेहंदी है। तो ये मेहंदी आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 7-8 चम्मच यूज़ किया है मेहंदी का, तो आपके बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग ही आप हिना पेस्ट तैयार कीजिएगा। इस तरह से अगर आप मेहंदी लगाएंगे तो आपके बालों में कलर अच्छा बना रहेगा। जो काले बाल चाहते हैं उनके बालों में बहुत जल्दी कलर चढ़ेगा और बहुत लंबे समय तक रहेगा। और मैं आपको बताऊं कि मेहंदी लगाने के बाद आप सरसों का तेल या जो भी आप हेयर ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो ज़रूर लगाइएगा, और लगभग उस तेल को 2 दिन अपने बालों में लगे रहने दीजिएगा। उससे हमारे बालों में बहुत ही अच्छा कलर आता है, क्योंकि जब हम हाथों में मेहंदी लगाते हैं उसके बाद भी हम विक्स, तेल, घी जो भी लगाते हैं उसके बाद बहुत अच्छा गहरा कलर आ जाता है। तो इसलिए आप बालों में भी मेहंदी लगाने के बाद ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और उन्हें धीरे धीरे सुलझाइएगा, क्योंकि मेहंदी के बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो आप मेहंदी का सर धोने के बाद सिर्फ कंडीशनर भी कर सकते हैं, ताकि आपको सुलझाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। अब मैं इसे पानी से अच्छे से थोड़ा स्मूथ पेस्ट बना रही हूँ। हमें ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला पेस्ट बनाना है, एकदम नॉर्मल पेस्ट हमें बनाकर तैयार करना है। इस मेहंदी को आप वीक में एक बार ट्राई कीजिए, या आप जब भी मेहंदी लगाते हैं तब आप अगर इस तरह से लगाएंगे तो आपके बालों का कालापन लंबे समय तक रहेगा और जो भी मेहंदी के गुण होते हैं और जो भी इस पाउडर के गुण हैं, जो बालों को लंबा करता है, चमकदार करता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, शिकाकाई, रीठा, जो भी मैंने आपको स्क्रीन पर शो करी थी उनको मैंने पाउडर बेस में बनाकर स्टोर कर लिया है। इस तरह आप भी खूब सारा बनाकर स्टोर कर लीजिए अगर आप रेगुलर मेहंदी लगाते हैं तो। ये देखिए, मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है और अब मैं इसमें ऊपर से पानी डाल दूँगी।
ताकि इस पर बिल्कुल भी सूखी हुई पपड़ी ना आए। और इसे चम्मच को भी हटा देंगे, क्योंकि लोहा है तो चम्मच भी जंग खा सकती है, इसलिए हम चम्मच को अच्छे से पोंछ कर हटा देंगे। लोहे की कढ़ाई में ही आप मेहंदी भी होइए, उससे बाल काले बने रहते हैं और इसी के कारण मेहंदी हमारी काली हो जाती है। तो मेहंदी हमारी भीग कर एकदम तैयार हो गई है। तो अब मैं इसे फिर से ढककर गर्म जगह पर 24 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, 24 घंटे हो गए हैं और अब हम देखेंगे हमारी मेहंदी, देखिए कितनी ब्लैक हो गई है। जितने भी लोहे के गुण होते हैं उसके कारण ये ब्लैक हो गई है, और पहले से ही हमने पाउडर को 24 घंटे भिगोकर पूरी तरह से उसके गुण ले लिए थे, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा ही ब्लैक हो गई है। अगर आप इस तरह से मेहंदी लगाएंगे तो आपके बाल में जो आप चाहते हो ब्लैकनेस, वही ब्लैकनेस आपके बालों में आएगी। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब हमें इसमें भी पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम बेटर है। तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।